अखिलेश यादव जरा संभल कर, मायावती ने डीएम पर लगाया बड़ा दांव और पंडितों को किनारे कर चल दी बड़ी चाल। सपा दलित वोटर्स को कर रही थी साधने की कोशिश, लेकिन बहन जी के एक चाल ने अरमानों को झकझोरने का किया काम। डीएम होंगे मायावती के पालनहार। 2007 वाली बढ़त बनाने के लिए पुराने फॉर्मूले को फिर से रिपीट करने की तैयारी में बहन जी। देखिए कौन है डीएम जिससे मायावती को बड़ी उम्मीदें और कैसे सपा के लिए ये डीएम बन सकता है बड़ी मुसीबत। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में अब तक जो रेस रही उसमें सपा ने ऐसी बढ़त बनाई कि कई क्षेत्रों में बीजेपी को भी दिक्कतें दिखने लगी थी। मायावती भी सारे हालातों को देख और समझ रही थी कि इसी बीच मायावती ने एक ऐसा दांव चला है जिसने हलचल और तेज कर दी है। मायावती ने एक चाल से जहां अखिलेश यादव को सावधान होकर चलने का संकेत दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने यह भी साफ कर दिया है कि उनको और उनके वोट बैंक को हथियाने की कोशिशें करने वाले सावधान रहें। गजब चौंकाने वाली बात यह है कि जिन पंडितों ने मायावती को 2007 में पूर्ण बहुमत दिलवाने में मदद की थी, इस बार उनको बहन जी ने पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। मायावती ने डीएम पर दांव लगाकर सियासी जंग में ऐसा हल्ला काटा है कि अब सियासी धुरंधर फिर से रणनीतियों में तब्दीलियां करने में लगे हैं। राज्य में 4 मई को पहले चरण का नगर निगम चुनाव होगा, इसके बाद बचे हुए शहरों में 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। राज्य में इस बार मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी बड़ा दांव चला है। मायावती ने इस बार नगर निगम चुनाव में कुल 17 मेयर प्रत्याशियों में से 11 टिकट मुस्लिमों को दिए हैं। इसके अलावा बीएसपी के द्वारा उतारे गए 6 प्रत्याशियों में से 3 ओबीसी 2 एससी कैटेगरी से आते हैं। बीएसपी के द्वारा नगर निगम चुनाव में महज गोरखपुर में सवर्ण यानी बनिया जाति को टिकट दिया गया है। साल 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव के हारने के बाद से लगातार बीएसपी का ग्राफ गिरता जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव में प्रदेश भर के मुस्लिमों ने बीएसपी का साथ छोड़ साइकिल की सवारी की थी। अब मायावती के द्वारा 11 मुस्लिम नेताओं को नगर निगम चुनाव में मेयर उम्मीदवार बनाने का फैसला अखिलेश के लिए घातक माना जा रहा है। ओबीसी के लिए भी रिजर्व आरक्षित सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतार कर बीएसपी ने ये साफ संकेत दिए हैं कि अब वो अपने नए सामाजिक अंकगणित में ब्राह्मणों की जगह मुसलमानों के साथ मिलकर नई सोशल इंजीनियरिंग का प्रयास कर रही है। जिस डीएम की हम बात कर रहे हैं वो दलित मुस्लिम वोट बैंक बताया जा रहा है। जैसे सपा MY यानी मुस्लिम यादव फैक्टर के साथ दलितों को साधने में लगी है, तो वहीं अब मायावती दलित मुस्लिम्स को साधने में लगी हैं और पंडितों को एक किनारे कर दिया गया है। मायावती ने साल 2007 से 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई थी। माना जाता है कि इस सरकार को ब्राह्मणों ने खुलकर समर्थन किया था। हालांकि अब आने वाले मेयर चुनाव में बीएसपी ने ब्राह्मणों को खुलकर दरकिनार कर दिया है। मायावती का ये अंकगणित और पंडितों को साइड करने का फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल उन्होंने इस संकेत के साथ तमाम ऐसे दावे किए हैं जो विरोधी दलों के लिए सिरदर्द का कारण बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।